वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जाने से पहले हम लोग कुछ बातें पुरानी डिस्कस कर लेते हैं। पुरानी बातें इसलिए क्योंकि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपके फिजिक्स में एक इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि इसका रीजन है कि जे थॉमसन ने जो भी आज तक एटम के बारे में जो बातें कही ये पूरी तरह से फिजिक्स को गलत डायरेक्शन में रखने का काम किया है। तो जो जे थॉमसन का मॉडल था वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा किसमें, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद। आप देखिएगा क्यों, क्योंकि जे थॉमसन ने तो बिना एक्सपेरिमेंट के एक हाइपोथेसिस दिया और उसने कहा कि एटम एक स्पेयर है, तरबूजे का गोला है और उस गोले में इलेक्ट्रॉन धंसे हुए जैसे तरबूजे में सीड धंसा हुआ होता है और पूरा जो पल्प है उसका वो पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन उसको चारों तरफ से क्या कर रखे रखा है, पकड़े रखा हुआ है। ये सब बातें किसने करी थी, जे थॉमसन ने। और ऐसी बात नहीं, जे थॉमसन की कई बात बहुत लंबे समय तक फिजिक्स को एक अंधेरे एक गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा था, है ना। तो रदरफोर्ड आपका रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो आपके फिजिक्स में एटम के रिकॉर्ड में एक टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज तक कोई न्यूक्लियाई के बारे में बात नहीं कर रहा था, कोई नहीं कह रहा था कि एटम में ऐसा कुछ न्यूक्लियस न्यूक्लियस की बात होगी, न्यूक्लियस होगा या कुछ होगा। बट रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाएगा कि एटम में कुछ और भी होते हैं। बट क्या रदरफोर्ड को पता था कि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहा हूँ? नहीं बेटा, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपका किसी और ऑब्जेक्टिव को लेके काम करते हैं, किसी और एम पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन मिल कुछ और जाता है। और जब कुछ ऐसा बात मिलता है, ऐसी चीज़ें मिलती है जो हम सोच भी नहीं सकते, तो वही तो आपका डिस्कवरी हो जाता है। तो हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या एम था उस समय जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हार्मफुल रेडिएशन निकलना शुरू हो गया था। अल्फा बीटा गामा जैसे हार्मफुल रेडिएशन आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट हो रहे थे और ये रेडिएशन इतने खतरनाक, इतने डेंजरस थे कि अगर हमारे बॉडी के किसी पार्ट में पड़े तो बॉडी आपकी जल जाए। और जल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जल जाए तो फिर से सही हो जाएगा। जलने के साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही थी? दिस रेडिएशन आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर। कार्सिनोजेनिक इन नेचर मीन्स इफ दिस टाइप ऑफ रेडिएशन फॉल ऑन द बॉडी पार्ट इट कॉज कैंसर। ये क्या कॉज करेगा? कैंसर कॉज करेगा। तो अगर आप ऐसे रेडिएक्टिव एलिमेंट को अपने घर में रखते हो या कहीं रखते हो और उसके अंदर से कोई हार्मफुल रेडिएशन निकल के कंटिन्यूस आता है और उसके सराउंडिंग में आप कहीं घूमते टहलते हो या खड़े रहते हो, तो प्रॉब्लम जानते हो क्या होने वाला है? कि आपको हो जाएगा कैंसर। तो इस कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे हो, इसका तो कोई भाई मेडिसिन तो खोजा नहीं जा रहा था। बट सारे साइंटिस्ट उस समय की यही कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास कोई ऐसा मेटेलिक या कोई फाइबर का कोई ऐसा कपड़ा मिल जाए या कोई कुछ भी मिल जाए जिसको अगर हम उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सामने रखते हैं तो उस एलिमेंट से निकलने वाले हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और उसको बाहर ना आने दे और इस तरह से हमको क्या मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए। उसी साइंटिस्टों के एक झुंड में से रदरफोर्ड भी एक था, उसका भी ऑब्जेक्टिव ये था। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कंट्रोल हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले हार्मफुल रेडिएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, यही एम लेके रदरफोर्ड अपना काम क्या करने जा रहा है, स्टार्ट करने जा रहा है। समझ गए कि नहीं? अब रदरफोर्ड अपना काम करने जा रहा है तो रदरफोर्ड ने आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले जो रेज है लाइक अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज, उसमें अल्फा रेज को ही क्यों चूज किया? उसका रीजन है क्योंकि अल्फा रेज ही सबसे ज़्यादा डेंजरस है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। उसका रीजन क्या है, आप देखिए कुछ अल्फा रेज के बारे में हम लोग जानते हैं। अल्फा रेज कंटेन अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेडिएशन कंटेन अल्फा पार्टिकल, और जहाँ बात आएगी पार्टिकल का वहाँ कुछ ना कुछ मास होगा। तो जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास 4 AMU, 4 एटॉमिक मास यूनिट, इसका मतलब जो आपका प्रोटॉन का मास होता है उससे 4 गुना ज़्यादा, 4 times more मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास से 4 times आपका ज़्यादा है और जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल पे वो +2 प्रोटॉन,
मतलब दो प्रोटॉन के बराबर का जो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए वो टू पॉजिटिव चार्ज, टू पॉजिटिव प्रोटॉन के इक्वल चार्ज रखा है कौन, अल्फा पार्टिकल। और जो अल्फा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी भी भैया बहुत तेज है, वेलोसिटी जो है आपका वो लाइट के वेलोसिटी के 1 to 10% आपका है। 1 to 10% का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के अगर मैं बात करता हूँ तो वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रेंज ऑफ 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड टू 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। मतलब आप आइडिया लगाइए कि अल्फा पार्टिकल कितना बड़ा है, प्रोटॉन के कंपेयर में कितना बड़ा है और प्रोटॉन के कंपेयर में उस अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कितना ज़्यादा है, आप ऐसे इमेजिन करिए। अगर मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा गार्डन है और बहुत बड़े बड़े गार्डन में एक हाथी आ जाता है, हाथी आइडिया लगाइए हाथी कितना बड़ा मास होगा। तो प्रोटॉन के कंपेयर में तो अल्फा पार्टिकल एक हाथी के समान है और ऐसी हाथी मदमस्त हाथी है जो इस हाथी की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि अगर उस हाथी के सामने छोटे मोटे कुछ भी पड़ गए, है ना, छोटे मोटे जानवर पड़ गए तो हाथी उसको कुचल के चली जाएगी। तो अल्फा पार्टिकल इज लाइक ए एलिफेंट, इतना मैसिव है, इतना बड़ा है, इसका मास 4 टाइम प्रोटॉन से ज़्यादा है, है ना, और इस पर चार्ज टू प्रोटॉन की इक्वल है। इसके साथ साथ इसकी वेलोसिटी तो देखिए 3 × 10⁶ टू 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। और अगर ऐसे रेज आपसे टकराएंगे तो आप इमेजिन करिए आपको क्या प्रॉब्लम होने वाली है, कैंसर जैसी डिजीज आपका ये क्या करेगी, कॉज करेगी। तो ये तो बात हुई अल्फा पार्टिकल की, है ना। तो अल्फा पार्टिकल इज ए लाइक एलिफेंट एंड देयर वेलोसिटी इज वेरी हाई। और अगर इस हाथी के सामने बेटा कोई पड़ गया ना तो गया काम से, वो तो मरना है क्योंकि मास इतना ज़्यादा है और मास के साथ साथ उसकी स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो अल्फा पार्टिकल को एकदम हाथी की तरह समझिए भाई, है ना। तो इस हाथी को रोकने के लिए हमको क्या चाहिए, इस हाथी को रोकने के लिए हमको चाहिए बहुत बड़ा मास वाला कोई सब्सटेंस चाहिए। मतलब अगर मुझको हाथी को रोकना तो इतनी बड़ी और इतनी मजबूत दीवार चाहिए जिस दीवार से अगर हाथी टकराए तो वो रुक पाए। तो अल्फा पार्टिकल को रोकने के लिए अल्फा पार्टिकल का के अंदर से जो रेडिएशन आ रही है उसके अंदर जो मास है उसको रोकने के लिए मुझको ऐसे हैवी मेटल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका मास भी बहुत ज़्यादा हो। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने बहुत डिफरेंट मेटल पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई, बहुत मेटल को चूज किया। ऐसा नहीं कि गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड उसका तुरंत दिमाग में आया कि हम गोल्ड ही लेते हैं, ऐसा नहीं है। उसने बहुत सारे मेटल पे काम किया लेकिन सारे मेटल उसके रेडिएशन को रोक नहीं पा रहे थे, है ना, कोई रेडिएशन को रोक नहीं पा रहा था। और क्या हो रहा था, जब अल्फा पार्टिकल को किसी मेटल के ऊपर गिरा रहे तो मेटल खुद टूट जा रहा था क्योंकि रेडिएशन इतना ज़्यादा था, मास इतना ज़्यादा था कि अगर किसी एटम पे गिराए तो एटम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जा रहा था। फाइनली ऐसे एक्सपेरिमेंट करते 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 जब रदरफोर्ड ने गोल्ड पे एक्सपेरिमेंट किया तो उसको जो मिला वही एक्सपेरिमेंट है। वाई गोल्ड, गोल्ड का भी बहुत सारा रीजन है। गोल्ड का अगर हम बात करेंगे आज के डेट में तो उसका मास है 197 यूनिट और उसके एटॉमिक नंबर है या उसके प्रोटॉन की बात करें तो 97 प्रोटॉन है। 97 प्रोटॉन समझ लो, बहुत ज़्यादा प्रोटॉन है। और 97 प्रोटॉन, 97 इलेक्ट्रॉन, ऑलमोस्ट 197 यूनिट का उसका एटॉमिक मास। और अगर हम नियर अबाउट बात करें उसमें 100 लगभग न्यूट्रॉन है। तो जो गोल्ड है वो बहुत हैवी मेटल है और इस हैवी मेटल के साथ साथ गोल्ड की जो मेलेबिलिटी है, मतलब उसको इतना पतले से पतले थिन सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है कि अगर हम उसको देखें तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट देखने वाला होगा। ये गोल्ड की तो खासियत है। तो गोल्ड की इस सारी खासियत को रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सेटअप लगाया। उस सेटअप में क्या लिया, इस सेटअप में एक बॉक्स लिया जो लेड का बॉक्स है। लेड भी एक हैवी मेटल है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिस्कवर करने वाला ब्रेकल। ब्रेकल ने कहा कि अगर हम किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को 8 से 10 सेंटीमीटर की अगर हम क्या करते हैं, एक बॉक्स में रखते हैं तो अल्फा पार्टिकल उस बॉक्स के थिकनेस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उस थिकनेस को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो सेम काम किया रदरफोर्ड ने, उन्हीं की बात मानी, एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में अल्फा एक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अल्फा एक्टिव रेडियो एलिमेंट, एक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यहाँ मतलब ये है कि ऐसा एलिमेंट हमको चूज करना जिसमें अल्फा बीटा गामा नहीं, मैक्सिमम जो रेज निकले वो कौन सा रेज निकले, अल्फा रेज निकले। तो ऐसा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उसने देखा
और उस एलिमेंट से मैक्सिमम जो रेज निकल रहे थे वो कौन से रेज निकल रहे थे, अल्फा रेज निकल रहे थे। आपको बार बार याद रखना है कि अल्फा जो रेज है उसके अंदर अल्फा पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मास इतना ज़्यादा है कि अगर हम बात करते हैं एक जंगल है, उस जंगल में हाथी का जितना मास हो सकता है ना, उतना मास आपके इस आइटम के पार्टिकल जो है उस पार्टिकल के कंपेयर में अल्फा पार्टिकल का ज़्यादा है। तो आपका एक एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, लेड का बॉक्स लिया, लेड के बॉक्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अल्फा एक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको रखा और उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकलना क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। खूब सारा झुंड में, सपोज करो एक हाथी झुंड में दौड़ती हुई जा रही है, हाथी झुंड में दौड़ती हुई जा रही है और छोटे छोटे जानवरों से टकरा रही है, और छोटे छोटे जानवरों से जब टकराएगी तो हाथी बिना अपने पाथ को डेविएट किए हुए सीधा चली जाएगी और जो रास्ते में आएगा वो तो ऐसे बिखर जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उसी तरह से जो अल्फा पार्टिकल है, वो अल्फा पार्टिकल आपका देखिए ऑब्जर्वेशन, जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसका ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल नॉट डेविएटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, अगर हम 20,000 अल्फा पार्टिकल की बात करें तो 20,000 अल्फा पार्टिकल में से 19,000 या 19,990 या 19,995 अल्फा पार्टिकल नॉट डेविएटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका इतना बड़ा इतना हैवी गोल्ड होने के बावजूद भी आपका अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन के निकल जा रहा। आप अंदाजा लगाइए क्या फालतू बात कर रहा था जे जे थॉम्सन कह रहा है एटम एक स्फीयर है, उसी इसकी स्फीयर में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। अब सोचिए अगर 97 इलेक्ट्रॉन एक छोटे से स्फीयर में एम्बेडेड होंगे तो आप सोचिए कि इस गोल्ड का जो मास होगा कितना ज़्यादा हो जाए, कितना डेंसर हो जाएगा गोल्ड, आप आइडिया लगाइए। और इतना डेंसर हो जाएगा कि अगर उस डेंसर पार्टिकल से कोई छोटा हाथी है उसके कंपेयर में छोटा लगेगा जे जे थॉम्सन को अगर हम बात करेंगे, तो अगर वो आपका अल्फा पार्टिकल उससे टकराएगा तो अल्फा पार्टिकल टकरा तो गया लेकिन टकरा के बाहर नहीं निकल पाएगा। तो कितनी बेकार बात कही थी, कितना बेकार मॉडल दिया था, ये मॉडल तो यहीं फेल हो जाता है, पहले पॉइंट पे ही फेल हो जाता है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपने बताया, जिस तरह से प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपने बताया, जिस तरह न्यूट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपने बताया, ये पूरी तरह से गलत हो जाता है। एटम में ऐसा कोई अरेंजमेंट ही नहीं होता जैसा आप बात कर रहे हो। तो प्लम पुडिंग मॉडल तो पहले ही पॉइंट पे आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पूरी तरह से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्रॉस द गोल्ड फॉयल विदाउट डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉयल को क्या कर गए, क्रॉस कर गए। फिर उसने क्या देखा, उसने देखा कि अबाउट 200 अल्फा पार्टिकल, मतलब 200 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक अल्फा पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गया, स्कैटर्ड हो गया। वन अमॉन्ग 200 अल्फा पार्टिकल गॉट डेविएटेड और स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा रेडिएशन जो अपने ओरिजिनल पाथ से अलग हो जाए, जैसे मतलब ओरिजिनल पाथ सीधा जा रहा है और अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ के कहीं और डेविएट हो जाए, दिस टाइप ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड स्कैटरिंग। तो वन ऑफ द 200 अल्फा पार्टिकल गॉट डेविएटेड और स्कैटर्ड, ये भी देखा। दूसरा ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। फिर इसने क्या देखा कि 1 अबाउट 20,000 अल्फा पार्टिकल, मतलब 20,000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो जा रहा है। मतलब क्या है रिबाउंड होने का, मतलब समझ रहे हो ना, रिबाउंड होने का मतलब कि अगर मैं कहता हूं कि ये है और इसको मैंने दीवार पे ऐसे मारा, ये रिबाउंड हो जा रहा है, वापस आ रहा है। वापस आने का मतलब समझ रहे हो आप, वापस आने का मतलब समझ रहे हो, जो हाथी है उससे बड़ा भी मास कोई है, हाथी से बड़ा कोई मास है। अगर मैं कहता हूं कि ये हाथी है आपका और ये हाथी आपकी इस दीवार से टकरा रही, तो ये रिबाउंड हो जा रहा है, इमीडिएट रिबाउंड हो जा रहा है ना। मतलब उसने देखा कि 1 अबाउट 20,000 20,000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक अल्फा पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ से क्या कर जा रहा है, डेविएट कर जा रहा है। इस डेविएशन के बाद और इस ऑब्जर्वेशन के बाद जो रिजल्ट आने वाला है और जो रिजल्ट को कंक्लूड करने वाला रदरफोर्ड है, उस रिजल्ट को अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कभी नहीं बात करेंगे जे जे थॉम्सन की, वहीं जे जे थॉम्सन की कई सारी बातें क्या हो जाएंगी, आपकी रॉन्ग हो जाएंगे और आपको आइडिया लगेगा कि जे जे थॉम्सन
कितनी बेकार सी बातें अपने एक्सपेरिमेंट में कर रहा था। तो इसको आप एक मिनट में क्या करिए, नोट डाउन करिए, हम रिजल्ट को तुरंत डिस्कस करते हैं, इसको तुरंत नोट करिए आप। कंक्लूजन, रदरफोर्ड मॉडल का कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन कहें हम इसको, रिजल्ट कह सकते हैं। तो रदरफोर्ड का अगर हम कंक्लूजन रिजल्ट पे देखते हैं, तो रिजल्ट से पहला पॉइंट ये क्या निकल के आता है, प्लम पुडिंग मॉडल कुड नेवर एग्जिस्ट। जो प्लम पुडिंग मॉडल आपका जे थॉमसन ने बताया था, वो पूरी तरह से फेल हो गया, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जे थॉमसन का कोई मॉडल तो था नहीं। वो पूरी फिजिक्स को, पूरी साइंस को एक रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रहा था बिना किसी एक्सपेरिमेंट के। हमने पहले भी बताया आपको, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के अपने हाइपोथेसिस को बताया कि एटम ऐसा होगा, एक उसमें इलेक्ट्रॉन इमिडेट होंगे, पॉजिटिव स्पेयर होगा, न्यूट्रॉन बाइंड किया होगा एंड ऑल दैट। ये सारी बातें आपकी जे थॉमसन ने बता रखी है, तो ये बात पूरी तरह से फेल हो गया। प्लम पुडिंग मॉडल नेवर एग्जिस्ट, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इज द कंक्लूजन और रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कर रखा था। हमने पहले भी बताया, एक्सपेरिमेंट का मेन मोटिव बिल्कुल भी नहीं था कि एटम में न्यूक्लियस है या कुछ ऐसी बातें हैं। उस पूरे एक्सपेरिमेंट का मेन मोटिव था कि अल्फा पार्टिकल को हम कैसे हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाने से रोका जाए। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने ऑब्जर्व किया और रिजल्ट जो निकाले वो एक पूरा हिस्ट्री क्रिएट कर दिया और पूरे साइंस को एक नया डायरेक्शन दिया। तो दूसरा जो पॉइंट था, जो आपने देखा था ऑब्जर्वेशन में, कि एटम में, एटम से जब आपके गोल्ड फॉयल से अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे थे, कोलाइड कर रहे थे, तो गोल्ड फॉयल से अल्फा पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के पार कर जा रहे थे। तो उस पॉइंट से ये निकल के आता है, एटम मस्ट कंसिस्ट लार्ज वैकेंट स्पेस। एटम के अंदर बहुत सारा वैकेंट स्पेस होता है। यही बात तो गलत करता है कि आपका जे थॉमसन की बात गलत है, क्योंकि जे थॉमसन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसे टकराएगा तो या तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा या तो आपका जो पॉजिटिव स्फीयर है उससे डिविएट हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आपका 99% अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉयल को क्रॉस कर जा रहे हैं। दैट मीन्स एटम के अंदर बहुत सारा खाली जगह है, मस्ट कंसिस्ट लार्ज वैकेंट स्पेस। और एक बात और उसने क्या दिया कि फ्यू अल्फा पार्टिकल, फ्यू अल्फा पार्टिकल मतलब 1 among 200 अल्फा पार्टिकल, 200 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से डेविएट हो जा रहा है। हमने आपको बताया जो अल्फा पार्टिकल के बारे में, कि अल्फा पार्टिकल जो है या अल्फा रेस के अंदर जो अल्फा पार्टिकल, उस पर 2 positive proton की इक्वल आपका चार्ज है, तो हम यहां +2 कर सकते हैं। और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर डेविएट हो जाए, तो आपको पता है कि लाइक चार्ज आर रिपल टू ईच अदर। तो कहने का मतलब, अगर मैं कहता हूं कि ये आपका एक पॉजिटिव कहीं है और ये भी एक पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव ऐसे जाएगा किसी पॉजिटिव के बगल से, तो ये वाला एक दूसरे में रिपल्सन होगा, और अगर एक दूसरे में रिपल्सन होगा तो सीधा जाने के बजाय थोड़ा एंगल बना के क्या कर जाएगा, डिविएट हो जाएगा। समझ के देखिए, अगर मैं कहता हूं कि ये आपका एक पॉजिटिव है और ये भी आपका एक पॉजिटिव है, और इस अगर ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साइड से निकल के जाएगा लाइक दिस, तो सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि जब इसके पास आएगा तो लाइक चार्ज आर रिपल टू ईच अदर, और इसके रिपल्सन होने की वजह से ये थोड़ा सा क्या कर जाएगा, डेविएट हो जाएगा। तो इसने ऐसा देखा कि सम डेविएशन इन अल्फा पार्टिकल, तो उसने तुरंत कंक्लूड किया कि कहीं ना कहीं एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कंडेंस फॉर्म में है। जिस पॉजिटिव, अगर कंडेंस फॉर्म में नहीं, कंडेंस फॉर्म में होने का मतलब क्या है, अगर हम कहते हैं कि जो प्रोटॉन है, जो अल्फा पार्टिकल, उस पर 2 proton के बराबर चार्ज है, और एक जो प्रोटॉन है उस पर 1 ही पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर हैवी पार्टिकल एक क्या करेगा, लाइटर पार्टिकल से टकराएगा, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि हाथी की तरह है, तो अगर हाथी एक कुत्ते से टकराएगा तो हाथी अपने रास्ते से डिविएट नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि कुत्ता एक नहीं, कुत्ते बहुत सारे हैं, और बहुत सारे कुत्ते एक साथ होके कंडेंस होके हाथी से भी बड़ा क्या कर लिया, अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। दैट मीन्स यहाँ कुत्ते का मतलब है कि आपके बहुत सारे प्रोटॉन कहीं एक पास आ गए किसी तरीके से, और अगर उससे कोई एक पॉजिटिव चार्ज उसके साइड से जा रहा है, तो लाइक चार्ज आर रिपल टू ईच अदर, रिपल्सन होने की वजह से अपने रास्ते से कुछ एंगल से क्या कर जाएगा, डेविएट हो जाएगा। जो आपने यहां देखा, एट कंसिस्ट हैवीली एंड पॉजिटिव चार्ज बॉडी, आइटम कंसिस्ट करेगा हैवी एंड पॉजिटिव चार्ज
बॉडी, ये थर्ड आपका रिजल्ट बताता है। उसमें से क्या हो रहा है कि आपका 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल अब रिबाउंड हो जाए। रिबाउंड होने का मतलब क्या है, अगर मैं कहता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, इसके बगल से गया तो डिबेट हो गया, लेकिन अगर इसी पे जा रहा है तो इससे टकरा के तुरंत वापस चला आएगा, बहुत तेजी से वापस, जितने तेजी से गया ना उससे तेजी से रिबाउंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, कहीं सेंटर में आपका कुछ मैसिव बॉडी है। मैसिव बॉडी होने का मतलब क्या है कि एटम, वहां एटम के सेंटर में कोई छोटे से स्पेस में, बहुत छोटे से स्पेस में ना केवल प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी साथ में है, बहुत मैसिव फॉर्म बना रहा है, और उससे अगर अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्ट कोलाइड कर रहा है तो तुरंत रिबाउंड हो जा रहा है। इसका मतलब रदरफोर्ड को एक नई बात मिली और एक नया डायरेक्शन यहां से स्टार्ट होगा आपके साइंस में, आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। आप देखेंगे दिस पार्टिकल, दिस पॉजिटिव चार्ज बॉडी मैसिव, बहुत बड़ा है विथ कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, एंड डेंस, डेंस है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, बहुत छोटे से जगह पे आपको प्रोटॉन भी है और बहुत छोटे से जगह पे न्यूट्रॉन भी है, वेरी स्मॉल एंड कंसिस्ट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, बहुत छोटी सी जगह है, डेंस है, मैसिव है एटम में, और उस एटम के उस डेंस स्पेस में प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, और इस डेंस पार्ट को आज से रदरफोर्ड एक नया नाम देता है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है। यहां आपका प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कंसिस्ट किए हुए हुआ है, एटम के सेंटर में है, छोटे से स्पेस में है, डेंस है, और इसको आज से हम लोग क्या नाम देंगे, क्योंकि यही नाम आपका किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस टर्म आपका क्वाइंड किया था किसके लिए, एटम के लिए, और यहां से रदरफोर्ड ने कहा कि एटम में न्यूक्लियस होता है और उसी न्यूक्लियस में सारे के सारे प्रोटॉन होते हैं और सारे के सारे न्यूट्रॉन होते हैं। इस तरह से रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से कर कुछ और रहा था, अल्फा पार्टिकल के हार्मफुल इफेक्ट को कम करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और उसको क्या मिला कि एटम में न्यूक्लियस होता है। तो यही जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया है, दिस एक्सपेरिमेंट इस डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आई। फिर से इसको मैं कंक्लूड कर देता हूं, सारी बातें समझा देता हूं आपको कि एटम कैसे होगा। एटम ऐसे होगा कुछ कि एटम में कहीं सेंटर थोड़ी सी जगह में, इसे बड़ा बना लेता हूं मैं समझाने के लिए, वैसे न्यूक्लियस इतना छोटा है कि ये दिख ही नहीं सकते, तो डॉट तब भी दिख रहा है, इतना छोटा क्योंकि एटम तो हम देख नहीं सकते, तो न्यूक्लियस के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है और जिसमें आपका न्यूट्रॉन है, यहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैंने न्यूक्लियस में रखा, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पूरा डेंस है, खूब सारे प्रोटॉन, खूब सारे न्यूट्रॉन एक जगह कंडेंस हो गए हैं, और अगर ये कंडेंस जगह से आपका, मैं कहता हूं कि ये अल्फा रेज है, अल्फा रेज, दीज आर द अल्फा रेज, ये अल्फा रेज है, और रदरफोर्ड के मॉडल से ये भी क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं कहीं भी आपका क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन एटम में एम्बेडेड है, इस तरह से नहीं है, और आपका पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली नहीं है। पॉजिटिव चार्ज आपका कहां है, पॉजिटिव चार्ज आपका सेंटर में है, जिसके साथ न्यूट्रॉन भी है, और न्यूट्रॉन होने के बाद स्मॉल जगह, डेंस जगह जहां पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। हो कह रहा होगा आपको, मैंने बताया कि जो अल्फा पार्टिकल है वो आपको 4 प्रोटॉन के बराबर मास रख रहा है, जो अल्फा पार्टिकल है वो 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज रख रहा है, ये अल्फा पार्टिकल की बात है। अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी देखो 3×10^6 × 3×10^7 मीटर पर सेकंड, तो ये जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर है, तो ये बहुत तेजी से जा रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं। उस अब देखेंगे हम लोग, अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो 4 AMU इसका एटॉमिक मास यूनिट है, और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 0.00055 AMU। आप अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को और अल्फा पार्टिकल के मास को कंपेयर करिए, कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं 0E1, ऐसे लिखते हैं, ये 0E1 है आपका, है ना, सॉरी पॉजिटिव ही 0, 0 का मतलब क्या है, इसका मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन अल्फा पार्ट को लिखते 2α4, 2α4 मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज
और अल्फा का मतलब होता है 4 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट मास। तो अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, और इस बहुत कम मास से अगर अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो बिना डेविएट हुए, अगर मैं कहता हूं यहां कहीं इलेक्ट्रॉन भी हो, यहां कहीं इलेक्ट्रॉन भी हो, तो इस अल्फा पार्टिकल को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को एक हाथी की तरह है, और अगर ये हाथी छोटे से कुत्ते से टकरा भी जाता है तो अपने रास्ते से बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास तो बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का मास अल्फा पार्टिकल के कंपेयर में ऑलमोस्ट कैसा है आपका, निग्लिजिबल है। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, आप ध्यान से देखिए, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल नॉट डेविएटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, दैट मीन्स इफ दे आर कोलाइड टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से टकरा भी रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन को अपने साथ घसीटते हुए ले जाने की इनकी एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन को निकाल भी सकते हैं। बट ऐसा रदरफोर्ड ने कुछ कहा नहीं इलेक्ट्रॉन को इमिट करने की बात। तो और दूसरा क्या, अगर मैं कहता हूं कुछ अल्फा पार्टिकल आपके जब न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में टर्म दे रहा हूं कि इसके बगल से अगर ऐसे गुजर के जाते हैं तो कुछ एंगल आपका क्या कर जा रहे हैं, डेविएट कर जा रहे हैं, ऐसा बहुत कम हो रहा है। अगर मैं कहूंगा 200 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा बिहेवियर कर रहा है, और इसमें से कोई एक अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो जा रहा है, मतलब क्या है आपका, 20,000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो जा रहा है, तो इस तरह से कुछ डायग्राम अब आपको समझ में आया होगा कि आपके गोल्ड फॉयल से जब अल्फा पार्टिकल कोलाइड कर रहा होगा तो क्या चीजें हो रही होंगी। तो मैंने आपको पूरा रदरफोर्ड मॉडल बता दिया, उसका कंक्लूजन बताया, उसका ये वाला डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन करके बताया। आप पूरा रदरफोर्ड मॉडल आप क्या करिए, रिवाइज करिए, इसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसमें कमियां क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशन क्या है, और उस लिमिटेशन को ओवरकम कैसे करा जा सकता है। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड ड्रॉबैक, लिमिटेशन और कोई नए मॉडल के बारे में जल्द से जल्द जानकारी मिल सके। नोट करिए एंड थैंक यू वेरी मच।